महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न है कि मई महीने में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसे आदेश दिए थे कि नेशनल हाईवे हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमएसआरडीसी हो, किसी का भी रोड हो, वो पीडब्ल्यूडी मार्फत उसके खड्डे भरे जाए। वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा अध्यक्ष महोदय, कि इतना बड़ा विषय है कि आप के मार्फत आपने बहुत अच्छे कागज पे मुझे बताया कि कितने सारी चीजें इंप्लीमेंट होने वाली है। मैं स्थानीय कामदार हूं, 1% भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। एक कट अगर बंद हो गया होगा ना, तो मुझे बताइए क्या ड्रोन के मार्फत एज अ इमरजेंसी, ये सर डिजास्टर लेवल पे इसका प्रॉब्लम चल रहा है। आप कह रहे हैं कि छोटी वाहनों के लिए अलग लेन होगी, कुछ इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, ऐसे उत्तर में 4 साल में सुन रहा हूं सर। लेकिन आपसे उम्मीद है सर, आपके पास एक कंट्रोल, मोपलवार जी बैठते हैं, आपके पास एक कंट्रोल रूम है जहां से आप सब कुछ देखते हो, क्या आप इस पूरे रोड को ड्रोन सर्वेलेंस के माध्यम से सर्वेलेंस करोगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आम्ही म्हणजे नाशिक किंवा धुळे जळगाव त्या भागातन सगळे जे काही लोक नागरिक आम्ही त्याच रस्त्याने प्रवास करतो आणि आपल्या ज्या भावना आहेत त्या भावनांशी आम्ही सहमत आहोत। अगदीच लपवण्याचा काही विषय नाही आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भातला अतिशय गंभीरपणे नोंद घेतलेली आहे। रस्ता कुठलाही असू दे, नॅशनल हायवेचा असेल, एमएसआरडीसीचा असेल, हे खड्डे ताबडतोबीने त्या ठिकाणी भरले जातील आणि रस्त्याची वाहतूक सुरळीत कशी होईल। रे जी, आपका पिछला अनुभव जो भी रहा होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आने वाले 1-8 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आणि इलिवेटेड इलिवेटेड हायवेच्या संदर्भामध्ये निश्चितपणे सकारात्मक वरिष्ठ पातळीवर आम्ही प्रस्ताव पाठवू।